हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल राइज टुगेदर। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हमारे वे प्रोटीन प्रोडक्ट्स में डाले होते हैं। तो क्या ऐसे स्वीटनर्स खाने से हमें कैंसर हो सकता है, मतलब क्या ये सेफ हैं? क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर लेने से वेट इंक्रीज हो सकता है? क्या डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ठीक रहेंगे? अगर ये सेफ हैं तो मैक्सिमम किस क्वांटिटी तक हम इनको यूज़ कर सकते हैं? और पॉपुलरली यूज्ड जितने भी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आते हैं उनमें से सबसे ज़्यादा सेफ कौन से हैं? इन्हीं सब बातों के बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। और क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है तो मैं सारे के सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में बात ना करके सिर्फ उन पे फोकस करूँगा, उन पे डिस्कशन करूँगा जो मोस्टली वे प्रोटीन पाउडर्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि सुक्रलोस, एसल्फाम पोटेशियम, एस्पार्टेम और स्टेविया। सो विदाउट एनी फर्दर एडो, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं अपने जिगरी दोस्त, अपने छोटे भाई अरुण के लिए, जिनका चैनल है इनसेन फिटनेस, उनके लिए एक हार्टफेल्ट अपील करना चाहता हूँ आपसे। अनफॉर्चुनेटली उनका चैनल किसी ने हैक कर लिया है और उन्होंने सारे हाथ पैर मार के देख लिए, पर वो अपना चैनल रिकवर नहीं कर पाए। अब उन्होंने जो लास्ट तरीका होता है, यानी उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दिया है, और उस ट्वीट के थ्रू वो हेल्प मांग रहे हैं टीम यूट्यूब इंडिया से। लेकिन टीम यूट्यूब इंडिया उन्हें तभी कॉन्टैक्ट करेगी जब मैक्सिमम लोग उस ट्वीट को रीट्वीट करेंगे। तो प्लीज़ आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और उसको रीट्वीट करें, ताकि टीम यूट्यूब इंडिया से कोई अरुण भाई को कॉन्टैक्ट करे, उनको क्रिएटर सपोर्ट प्रोवाइड करे, जिससे उनका चैनल उन्हें वापस मिल सके। बाकी जो अरुण भाई के सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं यही बोलूँगा कि आप चैनल से जुड़े रहिए। अभी होप है, जैसे ही अरुण भाई को उनका चैनल वापस मिलेगा वो वापस से आपके लिए बढ़िया बढ़िया कंटेंट अपलोड करना शुरू कर देंगे। सो प्लीज़ हेल्प अरुण भाई इन दिस टफ सिचुएशन। अब वापस आते हैं और सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की एक्सेप्टेबल डेली इंटेक, यानी ADI की। और इसका मतलब होता है वो मैक्सिमम अमाउंट किसी भी केमिकल का जिसे अगर हम डेली भी कंज्यूम करें अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए, तब भी कोई मेजर हेल्थ रिस्क हमें नहीं होगा। और ये लिमिट पता करने के लिए पहले किसी भी आर्टिफिशियल स्वीटनर या किसी भी केमिकल एडिटिव का NOAEL निकाला जाता है, यानी कि नो ऑब्जर्व्ड एडवर्स इफेक्ट लेवल। और ये वो हाईएस्ट लेवल होता है ऑफ एनी डायटरी एडिटिव जिससे हमारी बॉडी को कोई भी हार्म ना हो। और इसको मेजर किया जाता है मिलीग्राम पर kg बॉडी वेट पर डे। और फिर इस नंबर को सेफ्टी फैक्टर, जो यूजुअली 100 या उससे भी ज़्यादा होता है, उससे डिवाइड कर दिया जाता है टू गेट द ADI। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नॉर्मल बंदा आर्टिफिशियल स्वीटनर को एक्सेप्टेबल डेली इंटेक के लेवल तक ही कंज्यूम करता है डेली, वो भी अपनी ज़िंदगी भर, तो भी वो केमिकल यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर उसकी बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। अब जैसा आप देख सकते हो, मैंने टेबल में आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेके कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, जैसे कितनी स्टडीज़ को USFDA ने चेक करा है एक स्वीटनर को ग्रास का दर्जा देने के लिए। और ग्रास का मतलब होता है जनरली रिगार्डेड एज सेफ, और स्टीविया को छोड़ के बाकी सभी स्वीटनर्स को हम ग्रास का दर्जा दिया हुआ मान सकते हैं एज पर USFDA। वहीं स्टीविया को ग्रास का दर्जा अभी इसलिए नहीं मिला है USA में क्योंकि इस पर बहुत सारी स्टडीज़ नहीं हुई हैं। हालांकि दूसरी कंट्रीज जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा में ये अप्रूव्ड है और इसको ग्रास का दर्जा ऑलरेडी इन कंट्रीज़ में मिला हुआ है। बाकी टेबल में आपको एक्सेप्टेबल डेली इंटेक की लिमिट मिल जाएगी, और उस डेली इंटेक लिमिट तक पहुंचने के लिए आपको कितने पैकेट्स खाने होंगे उस स्वीटनर के, वो भी लिखा हुआ मिल जाएगा लास्ट कॉलम में। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक बंदा है 60 किलो का, ऐसे बंदे को ADI की लिमिट तक पहुंचने के लिए सुक्रलोज का जो अमाउंट लेना होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग द बॉडी वेट विद द ADI ऑफ सुक्रलोज, यानी 60 × 5 जो हो गया 300 mg। तो 300 mg आ गई ADI सुक्रलोज की। ऑन पेपर ये बहुत कम क्वांटिटी लगती है, मतलब 300 मिलीग्राम होता ही क्या है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी है। और मैंने ये चेक किया है एक वे प्रोटीन मैन्युफैक्चरर से जो मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं, उन्होंने कंफर्म किया कि सुक्रलोज की क्वांटिटी 1 kg वे प्रोटीन में होती है सिर्फ 0.1%, यानी अगर आप 1 kg का पूरा एक डब्बा एक बारी में खा जाओगे
तो आपके शरीर में जाएगा सिर्फ 10 मिलीग्राम सुक्रलोज। वही इसकी एडीआई फॉर अ 60 केजी मैन इज 300 mg। सो टू कंक्लूड, जितना सुक्रलोज एक बंदा वे प्रोटीन से लेता है वो बहुत ही कम है उसकी एडीआई से। इसलिए आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और यही हम बाकी स्वीटनर्स के लिए भी बोल सकते हैं, जैसे एसल्फाम, पोटेशियम, एस्पार्टेम और स्टीविया। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर लेने से वेट घटने की बजाय वेट बढ़ जाता है। बेसिकली व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर ऑन ब्लड शुगर लेवल्स। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को हम दो मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नॉन न्यूट्रिटिव स्वीटनर, जिससे हमें कोई भी कैलोरीज नहीं मिलती हैं। दूसरा है न्यूट्रिटिव स्वीटनर, या हम इसे बोल सकते हैं लो कैलोरी स्वीटनर, जिससे हमें थोड़ी सी कैलोरीज मिलती हैं। लेकिन यहाँ मुद्दे की बात यह है कि दोनों ही तरह के स्वीटनर से हमारी बॉडी को ना तो शुगर और ना ही कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं डायरेक्टली, इसीलिए ये डायरेक्टली आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को नहीं बढ़ा सकते। लेकिन कुछ लोगों में जो आर्टिफिशियल स्वीटनर का टेस्ट होता है, सिर्फ उसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन का हल्का सा स्पाइक आता है, और इसे बोलते हैं सिफेलिक फेज इंसुलिन रिस्पॉन्स या फिर CPIR। और ये इसलिए होता है क्योंकि दिमाग को लगता है कि कुछ मीठा गया है आपकी बॉडी में, इसीलिए इंसुलिन तो रिलीज करना ही पड़ेगा। दैट बीइंग सेड, एक रीसेंट मेटा एनालिसिस हुआ था जिसमें बहुत सारी स्टडीज़ का निचोड़ निकाला गया, और एंड में यही कंक्लूड किया गया कि CPIR होने से भी आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल्स में ज़्यादा कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, आपको हंगर अटैक्स नहीं आएंगे। इनफैक्ट आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करने से तो आपका दिमाग कंट्रोल में रहेगा, मतलब आपको बार बार मीठा खाने की ललक नहीं होगी। इसलिए ऐसे स्वीटनर्स आपको वेट कंट्रोल करने में हेल्प कर सकते हैं, और हाँ, डायबिटिक पेशेंट्स भी ऐसे स्वीटनर्स यूज़ कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट इन देयर माइंड विद रिस्पेक्ट टू वेट गेन और विद रिस्पेक्ट टू फ्लक्चुएशन इन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो अभी तक आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेके सब पॉजिटिव लग रहा है, मतलब ये USFDA से अप्रूव्ड है, USFDA ने बहुत सारी स्टडीज़ को कंसिडर करके इनको अप्रूवल दिया है। बाकी इनकी ADI लिमिट भी बहुत ज़्यादा है और ज़्यादातर यूज़र्स इससे कम ही क्वांटिटी में इनको खाते हैं। उसके ऊपर इनको यूज़ करने से वेट गेन भी नहीं होता और ना ही आपका जी मचलेगा बार बार मीठा खाने के लिए। लेकिन अब मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा एक बहुत बड़ी स्टडी की तरफ, जिसे कंडक्ट किया है फ्रांस में बेस्ड कुछ इंस्टीट्यूट्स जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस ने। और इस स्टडी में 100,000 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट थे, और ये स्टडी स्टार्ट हुई थी 2009 में और ख़त्म हुई है 2021 में, और ये कोई क्लिनिकल ट्रायल नहीं था, ये थी एक कोहर्ट स्टडी। सो कोहर्ट स्टडी में आप इंडिविजुअल्स को एनरोल कर लेते हो, उसके बाद में एक बेसलाइन निकाल लेते हो। तो इस स्टडी में इंडिविजुअल्स को जब एनरोल किया गया तो उनको चेक किया गया कि क्या उनको कैंसर जैसी कोई बीमारी तो नहीं है, जिससे एक बेसलाइन मिल गया। जिनमें कोई कैंसर की बीमारी मिली उनको इस स्टडी से उनको इस स्टडी में एनरोल नहीं किया गया, और फिर उन एनरोल्ड कैंडिडेट्स को फ्रीडम दी गई कि जो आप नॉर्मली खाते हो आप वो खाओ, बस आपने ये करना है कि शाम को जाके आपने जितना भी खाना खाया है वो आपने उनकी वेबसाइट पे जाके डाल देना है। तो इनमें से कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल स्वीटनर्स कंज्यूम करे, वही कुछ लोगों ने नॉर्मल शुगर खाई। आफ्टर ऑलमोस्ट 10 ईयर्स जो बंदे थे इस स्टडी में हिस्सा लेने वाले, उनको फिर से चेक किया गया ये देखने के लिए कि क्या आर्टिफिशियल स्वीटनर लेने वाले लोगों में कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये बात निकल के आई कि हाँ, आर्टिफिशियल स्वीटनर कंज्यूम करने वाले लोग हायर रिस्क पे हैं, और उसमें भी जिन लोगों ने एस्पार्टेम और एसल्फाम पोटेशियम ज़्यादा यूज़ किया है उनको ज़्यादा खतरा था कैंसर का। सो टू कंक्लूड, इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैं यही बोलूँगा कि वे प्रोटीन में जिस क्वांटिटी में आर्टिफिशियल स्वीटनर होते हैं उससे हमें नुकसान होने के ना के बराबर चांसेस हैं, और इनसे आपका बॉडी वेट भी नहीं बढ़ेगा। बाकी डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये सेफ़ हैं, वो इनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अवेलेबल डेटा को देखते हुए मैं यही बोलूँगा कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स जिसमें एस्पार्टेम या फिर एसल्फाम पोटेशियम हो उनको अवॉइड करिए, तो आपके लिए बेहतर होगा। होपफुली आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर द वीडियो, और अगर वीडियो ज़्यादा ही अच्छी लगी है तो हाँ, सब्सक्राइब भी आप कर सकते हैं चैनल को।
बाकी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को लेके तो कमेंट्स में उन क्वेश्चंस को छोड़िए, मैं एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करूँगा। चैनल से जुड़े रहिए, जल्दी ही और वीडियोज़ के साथ आपसे रूबरू होऊंगा, आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय।